गॉड्स एंड हेयर, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है, यही लिखा था एवी के काटा मोस्ट्री के खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नंस खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा और कोई नहीं चारा था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाई करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चले गईं। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वेलिक था। नेलक ने एक नन पर हमला करके उसको वहीं पर मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। उस नन ने चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती के वेलिक ने उस पर भी हमला कर दिया और वो वहां से भाग गई। इससे पहले के वेलिक कुछ कर पाती, उसने फांसी लगा कर खुद को मार डाला। जब इन दोनों मरने की नंस की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने का सोचा और वो अपने साथ एरिन नाम के एक नन को लेकर वहां पर आगे, जहां पर वो दोनों नंस मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी, उन्हें बहुत से विजन आते थे जिससे वो किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एरी के पूरे काटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। वो जैसे ही मोनेस्ट्री में घुसे तो उन्हें काफी अनइजी सा महसूस होने लग पड़ा। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफेद लिबास पहने कुछ मौन की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहां खुद बा खुद ऑब्जेक्ट्स इधर से उधर हो रहे थे। ये देखकर दोनों को समझ आ गया कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन एरी में काटा मोनेस्ट्री के एक नन से टकरा गई। उससे बात करने से मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एक्सोरसिज्म किया गया था, कि इस दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से हमारी दुनिया में वो शैतानी ताकतें आने लग पड़ी थी। वेलिक नाम की वो शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वेलिक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा, वो किस तरह वेलक को हरा सकते हैं? कैसा लगा आपको दी नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1?